भाई ऊपर करो, आवाज नहीं आएगा। शंकर भैया, जो आज स्थिति बनी वहाँ पर, जिस तरह से विपक्ष ने हंगामा किया, क्या देखते हैं, क्या लगता है कि जो देखिए वो किस तरह से जायज मानते हैं, और क्या वास्तव में बतौर सांसद लगता है कि जल समस्या है आपके? देखिए, ये सदन जो रहता है प्रजातंत्र में पहली कड़ी है। मैं भी 15 साल इस सदन का सदस्य रहा हूँ और यहीं से देश के सबसे उच्च सदन में गया हूँ, तो यहाँ से जिस संसदीय परंपराओं की इंदौर में दुआ दी जाती है, आज उसी संसदीय परंपराओं को कांग्रेस ने नकार दिया और सदन के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। पार्षद को पूरा अधिकार है सदन के अंदर अपनी बात रखने का, लेकिन कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अगर कुछ बात करना है वो नगर निगम में जाके मिल सकते हैं, महापौर जी से, कमिश्नर से, अधिकारियों से, या और कहीं जाके मिल सकते हैं। इस प्रकार सदन की कार्रवाई में व्यवधान पैदा करना ये न्यायोचित नहीं है, ये संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। शंकर भैया, क्या लगता है कि ये जो स्थिति बन रही है इसको क्यों बनाया जा रहा है, क्या क्यों, क्या वजह है कि वास्तव में जल समस्या है, या देखिए जो माननीय महापौर जी ने बताया 21 टैंकर चल रहे हैं उनके वार्ड में, जो महापौर जी ने जानकारी दी, सबसे ज़्यादा टैंकर उनके वार्ड में चल रहे हैं, उसके बाद ऐसी स्थिति, इसका मतलब वो राजनीति कर रहे हैं, पानी की समस्या नहीं है। अच्छा शंकर भैया, ये जो बात हुई है यहाँ पर, क्या मांग लेकर पहुँचे हैं आप लोग? देखिए, पार्षद साथी के साथ सुधीर देड़के जी के साथ जैसे बताया गया कि गाली गलौज हुए, जुमा जट्टी हुई, उसके कपड़े फाड़े गए, अशब्द बोले गए, तो इन सब बातों को लेके उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज हो, इसकी मांग को लेके आए। अच्छा शंकर भैया, ये जो स्थिति बन रही है इंदौर के अंदर, क्या देखते हैं कि राजनीतिक स्थिति है? देखिए, जिस प्रकार इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की पराजय हुई है, उससे कांग्रेस जन खजवा गए हैं और इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं। एक और बात है शंकर भैया, एक पत्र आपने लिखा है माननीय पीयूष गोयल जी को, और ये जो मसाज वाला मामला है उसको लेकर जो ट्रेनों में शुरू करने की जा रही है व्यवस्था, क्या मानते हैं, क्या देखते हैं, क्या क्या वजह है कि क्यों लिखना पड़ा वो पत्र? देखिए, कल मुझसे कुछ महिला संगठन और सामाजिक संगठन के लोग मिले थे और उन्होंने पत्र भी दिया, और उनकी ऐसी मांग है कि चूँकि पैसेंजर ट्रेन में इस प्रकार की जो मसाज की बात की जाती है वो उचित नहीं है। एक टूरिज्म की ट्रेन रहती है या जो शताब्दी एक्सप्रेस रहती है लंबी दूरी की, जहाँ एसी कोच रहता है, अब पैसेंजर ट्रेन में बेचारे गरीब और मध्यम वर्गीय लोग बैठते हैं, वहाँ ये मसाज की प्रक्रिया शुरू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें पैसेंजर को भी समस्या आएगी, खास करके महिलाओं को, और वहाँ पैसेंजर इतने रहते हैं, वहाँ जगह भी नहीं रहती अंदर मसाज करने की। तो उनका ये कहना है कि मसाज ये इस वाली ट्रेन में नहीं होना चाहिए, एयरपोर्ट पे हो सकती है, शताब्दी में हो सकती है, या टूरिज्म वाली ट्रेन पे हो सकती है। तो वो जो मांग उन्होंने की है, जो बात की है, वो हमने माननीय मंत्री जी को पहुँचाई है। प्रस्ताव भी आपने दिया है, इसके अलावा कि ट्रेन में किस तरह की सुविधाएं बढ़ाई।